प्राइस ऑफ पैशन। फ्रेंड्स, डिज्नी हॉटस्टार पे ये एक टर्किश ड्रामा प्रेजेंट है। ये मैंने देखा यूट्यूब पे, ये सवाले इश्क के नाम से है और उर्दू में ये सियाज बियाज अस्क नाम से ये है और 96 एपिसोड्स का ये पूरा ये एक सीरियल की तरह है। प्राइस ऑफ पैशन की मैं बात कर रहा हूँ जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है, तो उसमें ये 96 एपिसोड्स में कवर किया है, 45 मिनट्स ईच एपिसोड। अपने आप में कंप्लीट है, ये कंप्लीट स्टोरी है, तो कोई इसका सीजन टू नहीं है। इसको अच्छे से काफी डायरेक्ट किया गया है, इसकी जो स्टोरी है प्लॉट है स्लो तरीके से चलती है पर पूरा आपको इन्वॉल्व करके रखती है, कहीं पे बोरियत नहीं होने देती। ये बेसिकली हम इसको कैटेगरी में रखे तो क्राइम बेस्ड रोमांटिक फैमिली ड्रामा मैं इसको कहूंगा। हर तरह का एलिमेंट इसमें मौजूद है, मे बी कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी भी थोड़ी बहुत आती है, सिचुएशनल कॉमेडी है, जब फैमिली रिलेशंस में आपस में जो तकरार होती है तो उसमें थोड़ी बहुत सिचुएशनल कॉमेडी भी आती है, बट इसके अलावा हर एलिमेंट इसमें मौजूद है, रोमांस एक्शन स्टाइल थ्रिल फैमिली ड्रामा रिलेशनशिप्स इमोशंस ये सब इसमें मौजूद है। एक कंप्लीट ये एक सीरीज है जिसमें कि जो कि हर एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सकते हैं। मुझे इसकी सीरीज की खास तौर से डायरेक्शन बहुत पसंद आई, इसकी स्टोरी टेलिंग, इसकी स्क्रिप्ट, इसका प्लॉट, जिसने भी इसको लिखा है, जो भी इसकी डिटेल में गए हैं फिर इसमें हर एपिसोड में, तो उसमें दिमाग लगाया है, लगता है मेहनत की है एक एक सीन में, हर रिलेशन को और हर एक सिचुएशन को काफी अच्छे से इसमें प्रेजेंट किया है। स्टोरी टेलिंग अच्छी है, ग्रिपिंग है, हमेशा यही रहता है कि अब अगले एपिसोड में क्या होगा, आगे क्या होगा, वो एक सस्पेंस सा बना रहता है। बोर हालांकि ये नहीं करती बट फिर भी मेरे को इस पूरी सीरीज में बीच में थोड़ा सा 10 एपिसोड्स में लगा कि वहां पर मुझे थोड़ी सी बोरियत हुई। जैसे 96 एपिसोड्स की है तो पहले 45 एपिसोड्स तक तो मुझे बिल्कुल मेरा वही था कि अब आगे क्या होगा, तो जल्दी जल्दी मैंने देख डाले थे, हालांकि मैं एक दिन में 4-5 एपिसोड्स देखता था, बट उसके बाद मैं भी लगा कि ये कहीं जा नहीं रही या थोड़ा सा बोरिंग सी हो रही है। इनफैक्ट इसके जो मेन हीरो हीरोइन है तो वो हीरो है फरहत और हीरोइन असली नाम की कैरेक्टर है, तो इनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो मेरे को बीच में उसने बोर करना शुरू किया, पर उसके बाद मैंने फिर से ब्रेक लेके एक बार शुरू किया, 3-4 दिन का ब्रेक लेके, तो फिर मैं इसको एंड तक नहीं छोड़ पाया। इसके थोड़े से मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताऊं तो फरहत नाम का इसमें जो हीरो है तो वो एक तरह से एंटी हीरो है विद ग्रे शेड्स, एक माफिया गैंगस्टर है वो, और हीरोइन जो है वो एक सर्जन है, तो वो बिल्कुल एक ऑनेस्ट ईमानदार सच्चाई को फॉलो करने वाली लेडी है। और सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि मैं आपको अब स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि इनके बीच एक लव रोमांस वाली सिचुएशन भी आ जाती है। और यहाँ पर फरहत के जो मामा दिखाया है, जो कि असलियत में इसके मामा नहीं है, वो इसके फादर है पर वो नामिक नाम के है, तो वो इस पूरे इनका जो ये क्राइम बेस्ड इनकी फैमिली है तो वो हेड है, हेड इंचार्ज है, और फरहत उन उसके राइट हैंड है। तो ये जो नामिक नाम के इनके मामा है, हम कह सकते हैं कि वो इसके मेन विलन है। अब इस पूरी सीरीज में कुछ इस तरीके से दिखाया है कि नामिक तो विलन है और फरहत जो बेटा है तो वो एक हीरो है, बट पर्सनली मुझे दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आया। ये तो एक प्रोजेक्ट करने का तरीका है, मेरे को तो दोनों ही इसमें नेगेटिव ही नजर आया। पर्सनली मुझे हीरो का जो करेक्टर है तो वो इतना कोई इसमें जमा नहीं इस सीरीज में। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिन्होंने देखी है उनके लिए फरहत शायद फेवरेट होगा और इनकी जो केमिस्ट्री है वो भी उनको बड़ी पसंद आई होगी, पर मुझे इनकी केमिस्ट्री के अलावा, हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री के अलावा जो बाकी करेक्टर्स है वो मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और उनकी जो परफॉर्मेंस और उनके जो इसमें इंसिडेंट्स है, पूरी जो स्टोरी इसमें चलती है, तो वो मेरे को ज्यादा एक्साइटिंग और ज्यादा एंटरटेनिंग लगे। जैसे इनकी जो पूरी फैमिली है, टर्किश ड्रामा में होता है कि फैमिली को रिलेशंस को बड़ी अहमियत देती है, तो वो इसमें भी है। तो इसमें फरहत के दो भाई बहन भी है, एक गुलसुम नाम की और दूसरा एक लॉयर है यिगित नाम का, तो वो यिगित अलग रहता है, तो वो उसने एक सच्चाई का रास्ता अपनाया है तो वो इनके साथ नहीं रहता। और दूसरी तरफ जो नामिक है, जो इनका हेड इंचार्ज है घर का,
तो उसकी एक सिस्टर भी है हंडन नाम की, बड़ी बहन। तो उसके जो बेटे हैं आबिदीन और बेटी है विल्दान, वो भी वहीं रहते हैं। और मजेदार सा इनमें चलता है सब कुछ अंदर, नए नए कैरेक्टर्स और आते हैं। जैसे कि इसमें नामिक जब शादी करता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, तो इदिल नाम की, वो अपनी सेक्रेटरी से शादी करता है। तो मुझे पर्सनली इदिल नाम का कैरेक्टर भी अच्छा लगा, जैसे इसमें असली का जो दिखाया है कि एक सच को फॉलो करने वाली लेडी, तो मुझे इदिल का भी लगा कि वो भी एक सच्ची लेडी इसमें लगी। बट प्रोजेक्ट इस तरीके से किया जैसे उसका थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर हो। इनफैक्ट जो फरहत की मदर का जो रोल जिसने किया, येतर नाम का कैरेक्टर था, मुझे वो ज्यादा नेगेटिव इसमें लगा कंपेयर टू इदिल के कैरेक्टर। और एक कैरेक्टर जो मुझे पसंद आया, आबिदीन नाम का कैरेक्टर मुझे पसंद आया, जो कि हमदन का इसमें बेटा है और फरहत का ये एक तरह से राइट हैंड है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसमें जुनैद नाम का, जो कि विल्दान का इसमें पति है। विल्दान जो हमदन की बेटी है इसमें, तो वो जुनैद एक तरह से वो भी इसमें नेगेटिव रोल में है। ही इज ऑल्सो लाइक ए विलन, पर एक काफी वर्सेटाइल किस्म का उसका कैरेक्टर है। दिखाते कि कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा पूरी फैमिली में, और वो हमेशा एक साइड में होके रहता है, बट उसकी अहमियत हमेशा रहती है जिस तरीके की वो एक्ट करता है और जिस तरीके की इसमें सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो कैरेक्टर्स इसमें मजेदार है, सब कैरेक्टर्स की अपनी अपनी लाइफ है और सबके अपने अपने राज है, बहुत से राज है इसमें। उलझी हुई सी स्टोरी है, बट उलझी हुई सी स्टोरी होने के बावजूद ये आपको पूरी तरह समझ आती है स्टोरी, और बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, एक थ्रिलिंग तरीके से। और इस सीरीज में एक बीच में डायलॉग भी है, एक इसमें नई कैरेक्टर आती है जो कि असली की भांजी बन के बाद में आती है, तो वो कहती है कि इस घर में तकिया भी उठाएंगे तो उसके नीचे से कोई राज निकल के आ जाएगा, पता नहीं किसका राज खुल जाए। तो वाकई इस सीरीज में ऐसी है, हर कैरेक्टर का अपना अपना राज है, जो कि कुछ लोगों को पता है फैमिली में, कुछ को नहीं पता। तो उस वजह से ये सस्पेंस बना रहता है कि किसको ये पता ना लग जाए, और पता लग गया तो क्या होगा। सो मुझे तो सीरीज देखते हुए ये भी लगा कि इस सीरीज का नाम प्राइस ऑफ पैशन की बजाय अगर हिडन सीक्रेट्स रख देते तो वो भी एक गलत नाम नहीं होता, इतने इसमें राज है। पर उनको काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ओवरऑल इसका मुझे क्लाइमेक्स भी पसंद आया। कई बार होता है टर्किश ड्रामास में क्लाइमेक्स में आके जल्दबाजी कर देते हैं, बट इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की। 96 एपिसोड्स की है जैसे, ये तो जब 91 एपिसोड्स हो गए थे तो तब मैं सोच रहा था कि अब तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सिर्फ विलन का पकड़ा जाना बाकी है और सारे राज लगभग खुल चुके हैं, तो शायद ये 2 एपिसोड्स में भी और कंप्लीट हो सकती है। पर फिर भी इन्होंने क्लाइमेक्स में भी अच्छे से डिटेल में उसको दिखा के, पूरे कोई जल्दबाजी नहीं की, अच्छे तरीके से उसको फिनिश किया है, और क्लाइमेक्स भी कन्विंसिंग है। ओवरऑल एक्टिंग भी सबने बड़ी बहुत बढ़िया की है, हर कैरेक्टर की एक्टिंग में ऐसे लगा कि वो उसी रोल के लिए बना है। हालांकि इसमें मेरे को फरहत का कैरेक्टर उतना पसंद नहीं आया, और एक्टिंग भी कई जगह मेरे को वैसी लगी कि बस एक एक्सप्रेशन लेस टाइप, बट कुछ सीन्स में फरहत ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। इसके अलावा बाकी भी जो करेक्टर्स हैं सबने एक्टिंग कई कई जगह तो बड़ी अच्छी की है। आबिदीन की एक बार मुझे एक्टिंग बड़ी जबरदस्त लगी कि जब वो जुनैद को पे बहुत गुस्सा हो जाता है पिस्तौल लेके, लगता है कि असलियत में ही मार डालेगा, असलियत में ही गुस्सा हो गया ऐसे लगने लगा। इसके अलावा बाकी भी हर कैरेक्टर की एक्टिंग ऐसी है कि वो शायद उसी रोल के लिए बना है ऐसा लगता है। पर इस सीरीज में कुछ हम नेगेटिव्स की भी बात करें तो लूप होल्स तो है इसमें, और लिबर्टीज ली गई है तो उनको आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा कि अब ये सीन कैसे हो गया और इतना कुछ कैसे दिखा दिया, वो सब थोड़ा निग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो लिबर्टीज पूरी ली है डायरेक्टर ने इस सीरीज को एंटरटेनिंग बनाने के लिए, थ्रिलिंग बनाने के लिए, एंगेजिंग बनाने के लिए, पर उसको हम निग्लेक्ट कर दे तो ये फुल्ली एक जबरदस्त सीरीज है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। और अगर आप एक लॉन्ग सीरीज देखना चाहें तो लॉन्ग सीरीज में ये भी होता है कि कहीं वो बेकार ना निकले, तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ये बढ़िया सीरीज है। मेरी रेटिंग्स भी इसके लिए हाई है, 4.5 out of 5। तो जो मेरी एक एक्सपेक्टेशंस थी एक टर्किश ड्रामा होने के नाते और इतनी लंबी सीरीज होने के नाते, तो उस पे ये सीरीज बिल्कुल खरी उतरी, मुझे देख के मजा आया और मैं इसको रिकमेंड करूंगा। आप अगर देखना चाहे तो डिज्नी हॉटस्टार पे इसको देख सकते हैं, प्राइस ऑफ पैशन के नाम से ये आपको मिल जाएगी।